हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फरहान आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एडुकेशन वाइगर में। आज के सेशन में मैं आपके लिए सीटी पेपर 2 साइंस का एनसीईआरटी कंटेंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपका पेपर 2 मैथ और साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सीटेट पेपर 2 में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस चैप्टर को हम लोग सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे और जो कंटेंट मैं आपको दूंगा उसके साथ साथ मैं कुछ PYQ भी करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को गौर से देखें, इस सेशन को अच्छे से देखें एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो में जो मैं चैप्टर नोट्स जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, ये इनफ होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस बने रहें वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग एसिड बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो पानी में H+ आयन देता है, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर। आगे बात करते हैं तो एसिड टेस्ट में खट्टा होता है। एसिड सॉ इन टेस्ट एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। गया एसिड का pH 7 से कम होता है और एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि एसिड आयंस में ब्रेक होते हैं तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड क्रोसिव नेचर का होगा। एसिड जो एसिटेट फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलके एसिटेट फॉर्म करते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, वीक एसिड की। जो स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जो पानी में 100% डिसोसिएट हो जाता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जनरली इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ये जो है वीक एसिड होता है। वीक एसिड की बात करें तो पार्शली डिसोसिएट होता है या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर में। जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड की और डाइल्यूट एसिड की। जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है उसे हम लोग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जहाँ पर सॉलिड एसिड हो जाएगा, जिसमें एसिड ज़्यादा होगा पानी कम होगा वो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा, जिसमें एसिड कम होगा पानी ज़्यादा होगा वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। ये हम लोगों ने देखी एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अब बेस की बात करें तो बेस वैसा सब्सटेंस है जो पानी में OH- आयन देता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं। गिव्स OH- आयन इन वाटर। बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता था, लेकिन बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। बेस का pH 7 से ज़्यादा होगा और बेस का भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि बेस भी आयंस में टूटते हैं। सोपी इन टच होता है बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसको हम लोग अल्कली के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, जैसे NaOH, कॉस्टिक सोडा, KOH, कॉस्टिक पोटैश, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। वीक बेस की बात करें तो पार्शली इनसॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे पानी में, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा। ये एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये बात की हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की एसिड और बेस की। अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड और बेस की। तो पहला जो प्रॉपर्टी है एसिड का, वो जब मेटल्स हम रिएक्शन कराएंगे या बेस का मेटल्स रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो जब भी हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं या बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। सॉल्ट या हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, जो रिलीज होता है, उसको हम लोग जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को बोलते हैं पॉप सॉन टेस्ट। ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि हाइड्रोजन को जो इवॉल्व होता है उसको किस टेस्ट किया जाता है, तो पॉप सॉन टेस्ट होता है।
एक बात याद रखने की चीज़ है कि जितनी भी एसिड है वो ऑल मेटल से रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। हाइड्रोजन जितने ऊपर भी आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, और इसके नीचे जो भी आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये बात याद रखने की है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरा है, जब एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कभी भी एसिड को जब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको मिलेगा। यहाँ पे जो CO2 इवॉल्व हो रहा है उसको हम लोग जाँचने के लिए टेस्ट जो उसका होता है उसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कराते हैं जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है टर्न्स। तो ये याद रखेंगे। अगर बेस की बात करें तो बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है। और तीसरे रिएक्शन की बात करें तो एसिड का जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वही सॉल्ट और पानी मिलेगा, लेकिन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है तो एसिड से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन बेस का जब मेटल ऑक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। बेस रिएक्शन करेगा नन मेटल मेटल ऑक्साइड के साथ, क्योंकि नन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, नहीं सॉल्ट और हाइड्रोजन वाटर मिलेगा। हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की उस ये रिएक्शन होता है जब हम एसिड को बेस से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और पानी और कुछ हीट रिलीज होता है, उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस देन इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन एंड रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसे हम लोग इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल होता है कि उसमें आयन का एक्सचेंज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है। जब हीट रिलीज होगा तो कंटेनर जिसमें लोग रिएक्शन कराने वो वार्म होगा। जब हीट रिलीज होता है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, और जब एनर्जी हीट अब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस पर रिएक्शन करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जो इस चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट होता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से करेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड वीक बेस से करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। ये तो बात कर ली हम लोगों ने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, तो एसिडिटी इन स्टोमेज इज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज इट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज सब्सटेंस रिमूव एसिडिटी नॉन एस एंटा एसिड। इस पॉइंट में कह रहा है कि जो पेट में जो एसिडिटी हो जाती है, आप लोगों ने सुना भी होगा एसिडिटी, तो पेट में जो एसिडिटी होती है वो ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के एक्सेस अमाउंट की वजह से एसिडिटी हो जाता है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं जो कि एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एसिडिटी को रिमूव करता है। उसका एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाई कार्बोनेट। कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब लाल चूटी जब काटती है तो हम लोग के स्किन में फॉर्मिक एसिड जो है इंजेक्ट करती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैलामाइन के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थर्ड टाइम की बात करें तो जब सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर जब बढ़ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्विक लाइम CaO जिसका फॉर्मूला और स्लेक लाइम CaO2 इसको हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल का एसिडिटी ख़त्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मौत का pH जब 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके करना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग मेंटेन करने के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट का नेचर बेसिक नेचर होता है जिसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब कुछ बात करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स की, जो खाना ख़राब नहीं हो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो दो एग्जांपल हैं जो याद रखना है, सोडियम बेंजोएट और चिप्स पैकेट में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये तो बात के लिए हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब बात करते हैं कुछ एसिड की है, उसके सोर्स क्या है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इससे भी अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं टार्टरिक एसिड की। टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, टमेरिंड,
और अंगूर में और अनराइप मैंगो में, कच्चे आम में टार्टरिक एसिड फाउंड होता है। अब बात करें ऑक्सैलिक एसिड की, तो ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में और स्पेनिश में मिलेगा। लैक्टिक एसिड की बात करें तो दही में, जिसको खट्टा दूध भी कह सकते हैं, उसमें मिलता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो लेमन में, सिट्रस फ्रूट ऑरेंज में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो रेड एंट में मिलता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो विनेगर में पाए जाने वाला एसिड एसिडिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें जो विटामिन सी का केमिकल नेम है, वो आंवला, जैगरी, स्पेनिश में मिलता है, सिट्रस फ्रूट मिलता है। मिथनोइक एसिड की बात करें तो एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग में मिलता है। ये हम लोगों ने बात की कुछ ऑर्गेनिक एसिड और सोच की, इससे एग्जाम पुटअप होते हैं क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल दे देगा इसमें कौन एसिड पाया जाता है या कौन एसिड का क्या सोर्स है, तो इससे हम लोग अच्छे से लर्न करें और याद रखें, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेस की जो जिसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर होता है, उसमें पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोप में मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो लाइम वाटर में मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम की बात करें तो वो लाइम में मिलेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलता है। ये तो बात की बेस और कहाँ मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अटैक एसिड जो है वो कभी भी नेवर स्टोर मेटल कंटेनर, एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में हम लोग स्टोर नहीं करते हैं। उसे हम लोग गिलास के बने हुए बर्तन में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए हम लोग एसिड को कभी भी मेटल के बर्तन में स्टोर नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड को, जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरस एसिड बनता है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग को याद रखना। अब बात करते हैं पीएच स्केल की, जिसको पोटेंज P4 यहाँ पर होता है, पोटेंज जर्मन पावर कहते हैं। ये स्केल में 0 से 14 तक रेटिंग होती है। 7 जो रेटिंग है उसमें हम लोग न्यूट्रल होता है। 7 से इधर की तरफ आएंगे 0 की तरफ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और 7 से उधर की तरफ जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एच प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एच प्लस कंसंट्रेशन घटेगा। अब बात करते हैं कुछ सॉल्ट के प्रकार की, जो टाइप ऑफ सॉल्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आधार पर होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल होता है, पिछले स्लाइड में मैंने बात करी थी। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, जब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जैसे अमोनियम सल्फेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड SO4 आया, वीक बेस NH4OH, वीक बेस है तो उससे आया तो अमोनियम सल्फेट एक एग्जांपल हो गया। बेसिक सॉल्ट सोडियम एसिटेट जैसे एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये ऑप्शन देख के पूछे जाते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है या कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है, कौन बेसिक सॉल्ट है, तो उससे हम लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिकेटर की, जिससे हर साल एक नए क्वेश्चन लगभग बनते ही हैं इस टॉपिक से, इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर क्या होता है? तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने कलर को, स्मेल को चेंज कर दे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस में, जैसे एसिड या बेस के साथ, तो उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर का यहाँ पर हम लोग 3 टाइप देखते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा ऑल्फैक्ट्री। ठीक है, अब एक एग्जांपल ऐसे याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो इंडिकेटर का कौन कौन है, कौन एग्जांपल क्या है, सिंथेटिक का क्या एग्जांपल है, ऑल्फैक्ट्री का क्या एग्जांपल है। तो नेचुरल में टर्मेरिक आया, हल्दी, लिटमस, रेड कैबेज का पत्ता, फ्लावर ऑफ हेडिंग प्लांट, बीट रूट, चाइना रोज, ये सब क्या होते हैं नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल होते हैं। और सिंथेटिक का 2 याद रखना है, एक मिथाइल ऑरेंज और दूसरा नेफ्थलीन। अब ऑल्फैक्ट्री का ऑनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, क्लोवेल हो गया, ये सब ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल है। अब लिटमस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे तो हमको लाइकन से मिलता है, याद रखना है, ये पेपर के फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ये 2 का होता है, ब्लू हो या रेड हो। अब हम लोग टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं इंडिकेटर को।
एसिडिटी की टक्कर की न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर होता है, कलर इन एसिड में क्या होगा, कलर इन बेस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर का। तो सबसे पहले लिटमस की बात करें तो न्यूट्रल में जो उसका कलर होता है वो पर्पल होता है, लेकिन एसिड में इसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस का रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। पहले भी इस चीज़ की मैंने बात करी थी। अब बात करते हैं हल्दी का। तो न्यूट्रल में तो कलर हल्दी का येल्लो होता है, जान हम लोग मालूम ही है, लेकिन जब एसिड में रहेगा तो कोई कलर नहीं चेंज, नो चेंज होगा, येलो का येलो रहेगा। लेकिन जब बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन या रेड कलर का हो जाता है। अब बीटरूट की बात करें तो वो कलर न्यूट्रल, बीटरूट देखा चुकंदर रेड कलर का होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा कलर का, लेकिन बेस में वो येलो हो जाता है। अब बात करते हैं चाइना रोज़ की। तो चाइना रोज़ लाइट पिंक होता है न्यूट्रल में कलर, एसिड में कलर बात करें तो डार्क पिंक हो जाता है, जिसको हम लोग मैग्नेटा भी कह सकते हैं, लेकिन कलर इन बेस की बात करें तो वो ग्रीन हो जाता है। अब रेड क्या बिजली फिक्स टाइप का क्या है, तो कलर इन न्यूट्रल में पर्पल होगा, एसिड में वो रेड हो जाता है, बेस में वो ग्रीन हो जाता है। फ्लावर हाइड्रेंजिया का प्लांट की बात करें तो एसिड में वो ब्लू रहेगा, लेकिन बेस में कलर उसका पिंक हो जाता है। ये तो हम लोग ने देखा नेचुरल इंडिकेटर का, क्या कलर होता है न्यूट्रल में, क्या होता है एसिड में और क्या होता है बेस में। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सबसे पहला मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फेनोप्थेलिन। तो मिथाइल ऑरेंज जो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज याद रखेंगे, ऑरेंज कलर होता है। फेनोप्थेलिन का कलरलेस सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल में, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, बेसिक सॉल्यूशन जो होगा इसका येलो ही होगा। अब फेनोप्थेलिन की बात करें तो एसिड में ये कलरलेस ही होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर की बात हुई। अब बात करते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर की। तो उसमें तीन आते हैं, ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव है। तो स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन और स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ओनियन का एसिडिक सॉल्यूशन में से कुछ होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगा, लेकिन बेस में जो है कोई स्मेल नहीं होगा। वैसे वनीला एसेंस का जो होता है वो स्मेल एसिडिक में रहेगा, लेकिन बेस में कोई स्मेल नहीं। वैसे क्लोव ऑयल में भी स्मेल रिटेन कर जाएगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में अपना स्मेल ये लॉस कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड की बात कर लेते हैं और सब कुछ केमिकल फॉर्मूला और कुछ केमिकल नेम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला होता है CaCl2, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीजी क्लोराइड के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इनका फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, जिप्सम CaSO4H2O, कॉस्टिक सोडा NOH। अब ब्लू विट्रियोल की बात करें तो CaSO4 5H2O होता है। तो ये कुछ कंपाउंड है, उनके केमिकल नेम और फॉर्मूला है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इसे ध्यान में रखें। तो इसी के साथ इस चैप्टर का जो कंटेंट है सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो हम लोगों ने पढ़ा। आइए आप कुछ PYQ सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है, इस गैस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस गैस। हम लोगों ने पहली कैरेक्टरिस्टिक जब देखी थी एसिड और बेस की और बात करी थी कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसको हम लोग पता करते हैं पॉप सॉन्ट टेस्ट से हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, इट बर्न्स विथ पॉप सॉन्ट टेस्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रोड्यूस, किसी अम्ल को क्षार से मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। ये रिएक्शन की भी हम लोगों ने बात करी थी, जब एसिड और बेस रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और कुछ हीट रिलीज होता है। ये हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जाना था कि जब एसिड और बेस रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट वाटर और कंटेनर वार्म हो जाता है क्योंकि कुछ हीट रिलीज होता है, उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा था। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सॉल्ट वाटर एंड हीट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी, अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या होगा, नीले लिटमस को लाल में बदलेगा, लाल को नीले में बदलेगा, या लिटमस के घोल में कोई रंग परिवर्तन नहीं लाएगा, या लिटमस के घोल को रंगहीन कर देगा। अब सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है। फिर पता होना चाहिए कि किस टाइप का सॉल्ट है, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है, इसी से हम लोग आंसर पे पहुंचेंगे। तो आपको साफ साफ मैंने एग्जांपल में भी बताया था, ये जो है वीक बेसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट मिलके बना, जिसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट हो गया, तो एसिडिक सॉल्ट क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ बता रहा है कि नीले टिस्मर को लाल में बदलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अलोंग विद द वॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स। बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ ही में कोई गैस एक्स निकलती है, गैस एक्स क्या होगा। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखा था, जब एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और CO2 गैस रिलीज होता है और पानी बनता है। तो कौन गैस रिलीज होता है, CO2। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी। अपने क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, विच इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर एग्जाम्पल बताना है। इसमें तो आंसर लगा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। हल्दी का घोल, ये तो नेचुरल है। लिटमस का घोल, ये भी नेचुरल है। चैनल सॉल्यूशन, ये भी नेचुरल है। तो मिथाइल ऑरेंज बचता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर हम लोग ने पढ़ा अभी, मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और गारंटी है कि जो मैंने अभी कंटेंट पढ़ाया है इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है सीटेट पेपर 2 में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंटेंट को रिवाइज करिए, PY को सॉल्व कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें, उनको भी शेयर कीजिए कि उनको भी पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो थैंक्स फॉर। We'll be right back.